सो हेलो फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सीकिंग कप जानेंगे। एक ऐसा पैनल आप लोगों को सामने लाइव दिखाएंगे। तो गाइस, इस वीडियो में बना रहो और इस चैनल में नया है तो जरूर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लो और आपका दोस्तों को भी शेयर कर दो। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे और जानेंगे नोवो पे के बारे में। नोवो में आप लोग फ्री में रजिस्ट्रेशन कर सकती है। बहुत कंपनी ऐसा है अभी पूरा बंद होने वाला है, तो ऑलरेडी बहुत कंपनी बंद हो गया, लेकिन ये नोवो पे कंपनी जो है बहुत दिन से काम कर रहा है और नोवो पे जो सर्विस है सबसे बहुत सुपर फास्ट कंपनी है। तो गाइस, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बात करेंगे और सीखेंगे जानेंगे नोवो पे में कुछ बात। जो नोवो पे जो है आपको फ्री में रजिस्ट्रेशन कर सकती है और ये नोवो पे जो सर्विस है वो कहाँ कहाँ है, सब भी इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको एक और एक चैनल मिल जाएगा, उस चैनल पर भी आप सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि जिन भाई लोगों ने जो ऑनलाइन बिजनेस में ज़्यादा काम करते हैं उसका घर में जाके उसका शॉप में जाके मैं फ़ोटो लेकर आता है। जो ये जो RBL बैंक का द्वारा है नोवो पे जो सर्विस है वो RBL बैंक का द्वारा है। तो नोवो पे जो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, इसमें आपको PC पॉइंट भी मिल सकती है, CSP पॉइंट जो होता है वो भी आपको मिलेगा, जो अकाउंट ओपनिंग सर्विस वो भी मिल जाता है इस कंपनी में द्वारा। ये जो कंपनी है वो कर्नाटक का कंपनी है, जो बेंगलोर होता है वो कर्नाटक डिपार्टमेंट का कंपनी है। इसमें आपको बिल पेमेंट बैंकिंग सिस्टम सभी इसमें आपको मिल जाता है, लेकिन इसमें सिस्टम ऐसा है, किसी बोलो तो इसमें सिस्टम ऐसा है पैसा देना पड़ता है, ठीक है, जो भी आप कंपनी लो अभी आपको पैसा देना है। तो इस वीडियो का माध्यम से हम लोग सीखेंगे नोवो पे में कैसे रिटेल ID एंड डिस्ट्रीब्यूटर ID एंड सुपर डिस्ट्रीब्यूटर मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर ID क्रिएट होता है। तो बहुत आप लोगों को देखने को वीडियो मिल रहा है, लेकिन आप लोगों को देखने को नहीं मिला है नोवो पे में रिटेल ID कैसे क्रिएट करें, डिस्ट्रीब्यूटर ID कैसे क्रिएट करें फ्री ऑफ कॉस्ट में, सब भी इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिल जाएगा। तो नोवो पे जो है, नोवो पे में आपको बैंक CSP मिलता है। ये जो बहुत बुरा प्लेटफॉर्म है, छोटा मोटा कंपनी नहीं है, ये जो कंपनी है बहुत पैसा वाला कंपनी है और इसमें कमीशन बोलो तो सबसे बोलो तो इतना कमीशन नहीं है, लेकिन इसमें सर्विस जो है सुपर फास्ट है। इसमें 24x7 सेटलमेंट है, कोई आपको इशू नहीं है। और तो गाइस, हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। तो गाइस, शुरू से लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आप लोगों को सिखाएंगे नोवो पे रिटेल ID डिस्ट्रीब्यूटर ID सुपर डिस्ट्रीब्यूटर ID कैसे रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो शुरू से एक लास्ट तक आपको देखना है जो RBL बैंक का द्वारा है। तो जैसा आप लोगों को पता है स्पाइस मनी सेम ऐसा है कंपनी, लेकिन इसमें सॉफ्टवेयर अलग है, इसमें आपको सॉफ्टवेयर अलग है और इसमें सिस्टम जो है, इसमें कमीशन बोलो तो मिनिमम आपको 10 रुपये मिलता है शायद, ठीक है। तो देखो नोवो पे वेबसाइट में हम लोग आ गया, तो आप लोग इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, आपको शायद पता हो जाएगा। तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको सबसे ज़्यादा आसानी होता है। तो गाइस, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि आप लोगों को दिखाएंगे इस वीडियो के माध्यम से नोवो पे में रिटेल ID कैसे होता है, डिस्ट्रीब्यूटर ID कैसे होता है। देखो, इसमें आपको DMT रियल टाइम एजेंट फ्री, तो इसमें आपको AEPS आधार ATM में आपको लगता है 1000 रुपये, ठीक है। तो इसमें आपको 1000 रुपये लगता है, लेकिन देखो मैं आप लोगों को शुरू से लास्ट दिखाएंगे। तो देखो नोवो पे में डायरेक्ट में इसमें क्रोम में आ जाएंगे, तो इसमें आपको सर्च करना पड़ेगा नोवो पे NOVO नोवो पे, तो novope.com हाँ, इसमें आपको novope.com सर्च करना है .in सर्च करना है। novope.in सर्च करने के बाद इसमें आपको आ जाएगा नोवो पे रिटेल बैंकिंग सोल्यूशन से AEPS बिल पेमेंट नोवो पे। तो इसमें आपको कहाँ पे क्लिक करना है सब भी आप लोग दिखाएंगे, आप लोग देखते रहो, तो ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, नोवो पे रिटेल में क्लिक कर देना है। नोवो पे रिटेलर में क्लिक करने के बाद देखो इसमें आपको रिटेलर AEPS के लिए आपको कितना चार्जेस लगता है और इसमें आपको क्या क्या सर्विस मिलता है। तो सबसे आसानी होता है यही, आपको BC पॉइंट लेने के लिए आप लोगों को देखने को मिल जाएगा इस कंपनी के द्वारा। जब आपको जो भी बैंक का लेना चाहता है, इसमें आपको फॉर्म अप्लाई करके आप ले सकती है BC एजेंट। इसमें आपको शायद कैश डिपोजिट है क्या नहीं है, हम लोग देखेंगे डायरेक्ट अकाउंट वो तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद ID पासवर्ड दे के, ठीक है। इसमें तो ID पासवर्ड दे के देखेंगे कैसे इसमें ओपन होता है। तो इसमें आपको दो ऑप्शन आ जाते हैं, ठीक है। इसमें novope.in सर्च करने के बाद देखो, इसमें novope.in सर्च करने के बाद सबसे ऊपर में आ जाता है। तो novope सर्च करने के बाद इसमें आपको सबसे ऊपर आ जाता है novope रिटेल बैंकिंग सोल्यूशन। तो इसमें आपको क्लिक कर देना, ठीक है। इसमें आपको सिलेक्ट करने के बाद इसमें आपको डेस्कटॉप सेट कर लेना है, जो आपका तो इसमें जो आपका सर्विस होता है सभी डेस्कटॉप साइट हो जाता है, ठीक है ना। तो इसमें डेस्कटॉप साइड मोड हो गया है, तो मेरा शायद एक कॉल आ गया था, तो प्लीज़ तो वेट, कोई आपको वो तो फिर दिखाएंगे, क्योंकि मोबाइल फ़ोन से मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शूट करता हूँ, ठीक है। तो कटिंग करने के बाद देखो आपका सामने से एक इंटरफेस खुल जाएगा नोवो पे की तरफ से। तो इसमें आपको बोल रहा है जॉइन रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर, आप जो भी आप ले सकते हैं। तो मैं इसमें क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर में सिलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटर में सिलेक्ट करने के बाद आपका सामने ऑटोमेटिक ऐसा आ जाएगा, तो इसमें
नवापेट डिस्ट्रीब्यूटर इसमें बोला इनकम बीकॉम नवापेट डिस्ट्रीब्यूटर सेम ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर एनुअल द टाइम 1 लाख मंथ और डिस्ट्रीब्यूटर एंड एवनिंग कमीशन एवरीथिंग सन गुड बिजनेस डिस्काउंट्स ऐसा बोल के इंग्लिश में है, मेरे को इतना जानकारी नहीं है। ठीक है ना, तो इसमें देखो आपका सामने बोलो तो जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है इसमें रिटेलर का होता है, इसमें आपको डिस्ट्रीब्यूटर का होता है। देखो इसमें रिटेलर के लिए ऊपर में और डिस्ट्रीब्यूटर के लिए नीचे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो कब आपके पास कॉल आएगा सब भी इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। तो इसमें देखो नवोप में आपको रजिस्टर करने के लिए इसमें आपको ऐसा करता है, ठीक है। तो आपका नाम डाल देना है फर्स्ट ऑप्शन में, तो मेरा नाम डाल दिया है, देखो मैं आप लोगों को सामने फिर दिखाएंगे जो मेरा नाम है डाल दिया है, ठीक है। MNDL इसमें आपको पिन कोड सर्च करना है, जो आपको पिन कोड एरिया का है वो आपको पिन कोड देना है। तो ये जो सर्विस है आपको डायरेक्ट नहीं मिलता है, आपको कॉल करने के बाद ही आपको मिलेगा, ठीक है। इसमें थोड़ा चार्जेस लगता है, पैसा देना पड़ता है, उसके बाद ही आपको मिल जाएगा। तो इसमें डालने के इसमें आपको सामने क्या होता है, मोबाइल नंबर डालने को पड़ेगा, जो आप मोबाइल नंबर रजिस्टर करना चाहता है, जो भी बोलो तो आप रजिस्टर करना चाहते हैं मोबाइल नंबर। तो क्या करेंगे, जो मेरा मोबाइल नंबर शायद आया है या नहीं आया है, 9002926। तो मेरा मोबाइल नंबर जो है इसमें डाल दिया है, तो शायद फ़ोन आ रहा है, सॉरी आप लोग ये नहीं करना, डोंट माइंड, ठीक है ना। तो मैं इसमें क्या करें, नंबर डालने के बाद सिलेक्ट कर लेंगे नंबर, ठीक है। नंबर डालने के उसमें क्या करेंगे, ज्वाइन नाउ में क्लिक कर देंगे। देखो आपको सामने आ गया ज्वाइन नाउ, तो इसमें बोल रहा है योर मैसेज आपको पास, तो सॉरी आपका फिर से बार बार कॉल आ रहा है मेरे पास। तो ओके में क्लिक कर देंगे, तो हमारा जो ए है सिस्टम लॉगिन हिस्ट्री टेस्ट पार्टनर्स रिपोर्ट ग्रो है, तो आपका जो है इसमें नोवो पे का जो आपका यूट्यूब चैनल भी आपको मिल जाता है डायरेक्ट, जो भी आपका इशू है आप नोवो पे वेबसाइट में जाने के बाद, ठीक है। नोवो पे जो ए होता है नोवो पे डायरेक्ट आपको मिल जाता है इसमें सर्विस नोवो पे के बारे में, तो नोवो पे के बारे में इसमें वीडियो सब भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो क्या करेंगे गाइस, नवोपे में जितना रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर लेकर रखा है ये कंपनी का, तो ये कंपनी जो है आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। देखो इसमें आपको शो हो रहा है सूरजपुर रोड बेंगलोर 560102, आपका ये है। इसमें आपको कस्टमर कॉलिंग नंबर जो होता है इसमें आपको नीचे शो हो जाता है, तो आप लोग डायरेक्ट कॉल करके भी ले सकते हैं कंपनी, आप हमारा पास भी ले सकते हैं, लेकिन हमारा पास अभी नहीं मिलेगा क्योंकि मैं भी रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ फ्री, फर्स्ट टाइम फ्री में। तो मैं शायद आप लोगों को दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में इसका आईडी एंड पासवर्ड कैसे होता है, और ये जो सर्विस है इसमें आप लोगों को क्या मिलेगा, और नवोपे बैंकिंग सिस्टम में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, हम आप लोगों के साथ डायरेक्ट बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो सबसे पहले आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ नवोपे में डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर पार्टनर लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो आप लोगों को शायद इस वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। तो इसमें बोल रहा है देखो ये भी आपको भरना है, तो नवोपे बैंकिंग सिस्टम लेने के लिए आपको इसमें फुल नेम डाल देना है आपका नाम, तो मेरा इसमें नाम डाल देंगे। नाम डालने के बाद नेक्स्ट आपका आ जाएगा मोबाइल नंबर, जो आप मोबाइल नंबर है आप डाल सकती है, ठीक है। तो देखो मेरा मोबाइल नंबर डाल दिया है, इसमें आपका ईमेल आईडी, सॉरी गाइस बिजनेस ईमेल आईडी डालने को बता रहा है, सो सॉरी, इसमें ईमेल आईडी डाल देंगे। मेरा जो ईमेल आईडी है SOKM, ठीक है, इसमें ईमेल आईडी भी डाल दिया है। डालने के इसमें मोबाइल नंबर डालेंगे, बाजू में आपका अल्टरनेट मोबाइल नंबर डाल देना है, जो आपका अल्टरनेट मोबाइल नंबर देना चाहता है आपका पास बोलो तो ये जो होता है ना, तो अल्टरनेट मोबाइल नंबर आप डाल देना, जो भी आपका मोबाइल अल्टरनेट मोबाइल नंबर है। तो मैं इसमें डाल दिया अल्टरनेट मोबाइल नंबर, क्योंकि आपका पास इस नंबर में कॉल आएगा तो इसमें आएगा। कंपनी का नाम डाल देना, जो आपका कंपनी है, तो मेरा जो कंपनी बोलो तो इसमें मेरा शॉप का नाम ही है, ठीक है। तो इसमें देखो मेरा अशोक डिजिटल स्टोर है, STORE स्टोरी, ठीक है। तो इसमें स्टोरी डालने के बाद देखो सब डिटेल भर दिया है, तो आपका पास कॉल आ जाएगा आज से लेकर कल तक आपका पास कॉल आएगा। तो मैं देखो इसमें बैंकिंग सिस्टम ट्रांजैक्शन सिस्टम, तो बैंकिंग सिस्टम में इसमें माइक्रो फैंसी एजेंसी बैंकिंग डिजिटल वॉलेट, जो भी आप लेना चाहते हैं UPI बैंक, ठीक है ना, तो आप जो ले सकती है बोलो तो इसमें मैं सभी ले लेंगे। तो थोड़ा चार्जेस ज़्यादा लगता है शायद, तो मैं आप लोगों को दिखाएंगे सिर्फ इस वीडियो के माध्यम से, तो जो भी आप सर्विस लेना है आप ले सकती इस कंपनी के द्वारा, ठीक है। तो इसमें देखो मैं डाल दिया है इसमें डिजिटल माइक्रो ATM फैंसी, जो भी आप लेना चाहते हैं बोलो सब भी आप दे देना,
आपका हिसाब से आप जो देना है तो दे दो। डिजिटल वॉलेट प्रीपेड सब भी आप दे देंगे, क्योंकि हमारा ये जो सिस्टम हो रहा है सब भी हम लोगों को देना है बीसी पॉइंट लेने के लिए, ठीक है। तो ये सभी ऑटोमेटिक मार्किंग कर देंगे। देखो ये जो सिस्टम हुआ पूरा इस पर आपका सामने शो हो गया है। तो देखो क्या करेंगे, अभी सेंट इनक्वायरी में क्लिक कर देंगे। तो इसमें बोल रहा है इनवैलिड बिजनेस ईमेल आईडी जो है हमारा MADAL@gmail.com। तो ईमेल आईडी भी थोड़ा गलत बता रहा है, इनवैलिड कोड। तो हमारा जो कोड है क्या क्या बता रहा है मालूम है शायद, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा देख के भर लेना, क्योंकि मैं मोबाइल से कर रहा हूँ, आप लोग थोड़ा मोबाइल से देख के कर लेना, अच्छा होता है सबसे। तो ज़्यादा जानकारी लेने के लिए आपको इस वीडियो देखो, इसमें आपको मिल जाता है यूट्यूब का चैनल का लिंक, इसमें आपको मिल जाता है। यह जो कंपनी नोवोपेस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा है इंट्रोडक्शन, ऐसा आपको बहुत प्रोडक्ट्स जो होता है इसमें बैंकिंग सॉल्यूशन, ट्रांजैक्शन बैंकिंग, डिजिटल लोडिंग, डिजिटल वॉलेट फेल्ट फॉर ऑटोमेटिक, ऐसा आपको आ जाता है, ठीक है। तो मैं क्या करेंगे, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर रजिस्ट्रेशन करके छोड़ देंगे। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे इसका आईडी एंड पासवर्ड हम लोगों को कितना दिन के बाद मिला है, और इसमें लॉगिन करने के लिए आपको कितना पैसा लगता है। तो आपको तो पता हो गया है, सामने आपको मिल गया है 1000 रुपये लगता है इसमें रिटेल आईडी के लिए, और डिस्ट्रीब्यूटर के लिए थोड़ा चार्जेस ज़्यादा है। तो मैं डिस्ट्रीब्यूटर डायरेक्ट क्लियर किया हूँ, क्योंकि मेरे को डिस्ट्रीब्यूटर लेना है। तो आपका हिसाब से आप जो लेना चाहता है आप ले सकती है, कोई आपको इश्यू नहीं है। तो गाइस वीडियो इतना है, वीडियो लंबा हो रहा है, तो गाइस वीडियो इतना है, तब तक के लिए जो है बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक लिए इतना ही। और इस चैनल में नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग।